देखो लास्ट टाइम एरर्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट है या कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशंस में आपका जो करेक्ट वैल्यू है उसके साथ कुछ एरर भी आ रहा है और आपकी बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें एरर्स आता है, तो उन एरर्स को कैसे हैंडल करना है। जैसे सपोज करो अगर मैं एडिशन कर रहा हूँ तो एडिशन ऑफ टू करेक्ट नंबर्स तो आप सिंपली ऐड कर ही जाएंगे या कर देंगे, लेकिन एरर्स का क्या करना है। तो हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एरर्स के केस में अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, जैसे 2 ± 0.1 और दूसरा नंबर इज़ 3 ± 0.1, और मैं इन दो नंबर्स को क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, तो जो आंसर आएगा वो क्या बताया था मैंने, 2 और 3 को ऐड करके आंसर 5 तो आएगा ही आएगा, और इनके एब्सोल्यूट एरर भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये आपका पहला रिजल्ट था। आपका इसमें दूसरा रिजल्ट था कि अगर सपोज करो आपके पास यही दो नंबर्स हैं और आप इन दो नंबर्स को क्या करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्शन के केस में करेक्ट नंबर और करेक्ट नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1, 2 - 3 - 1, प्लस माइनस, जो एरर होगा वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट इसमें ऐड होगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इट मींस कि करेक्ट नंबर में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो इसके अंदर भी क्या होंगे, ऐड होंगे। सिमिलरली अगर आपके पास ये ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन नहीं है और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में लेट अस सपोज इसको ए मान लेते हैं, इसको डेल्टा ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको डेल्टा बी मान लेते हैं, और मेरा आंसर मल्टीप्लिकेशन में सपोज क्या आ रहा है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। क्लियर है यहां तक? तो अगर ये आंसर आ रहा है तो ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 × 3 ये क्या आएगा, 6, ये तो 6 आएगा ही आएगा, और डेल्टा जेड अगर आपको निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन में इनके रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने लास्ट टाइम ये फॉर्मूला किया था, प्रूफ चाहे नहीं भी करेंगे लेकिन फॉर्मूला सबको क्लियर है। तो इसमें डेल्टा जेड मुझे निकालना है, जेड मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन में कितने हैं, 6, डेल्टा ए कितने हैं, 0.1, ए कितने हैं, 2, डेल्टा बी कितने हैं, 0.1, बी कितने हैं, 3। इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा, डेल्टा जेड, इस डेल्टा जेड को यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आएगा। तो अब हमें एडिशन का पता लग गया, सब्ट्रैक्शन पता लग गया, मल्टीप्लिकेशन पता लग गया। तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक, यस ठीक है। तो अब सपोज करो सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब ये क्वेश्चन किसमें है, इन डिवीजन, डिवीजन। तो अब अगर ये क्वेश्चन डिवीजन में है तो 2 / 3, जेड क्या आएगा, 2/3, आपको क्या निकालना है, डेल्टा जेड। डेल्टा जेड के अंदर फॉर्मूला सेम लगेगा, डेल्टा जेड में जो जेड की वैल्यू आएगी, इसमें 6 नहीं आएगी क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, 2/3। तो यहां से डेल्टा जेड को सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ओके ठीक है। तो यहां तक हमने अपना क्वेश्चन कर लिया था। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है आज जो हमने करना है, जो आखिरी आपकी कैलकुलेशन है, वो है एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट से पहले मैं आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि सपोज करो मेरे पास जेड का फॉर्मूला है a × b, तो एरर का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा a / a प्लस डेल्टा b / b। क्लियर है? अगर मैं इसे c एंड d से डिवाइड कर देता हूं, अब इस फॉर्मूले में
टर्म्स क्या हो रही हैं आपस में, मल्टीप्लाई, और साथ में क्या हो रही हैं, डिवाइड। तो अब फॉर्मूला कोई बताएगा क्या बनेगा, बोलो, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, बोलो, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू क्या, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा। तो आपने अपने ऑब्जर्वेशन से, मैंने इसका प्रूफ नहीं करवाया, पर अपनी आपकी ऑब्जर्वेशन ये बोलती है कि अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड साथ ही वो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो रूल तो पता ही है कि रिलेटिव एरर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। क्या ये रूल क्लियर है सबको? तो अगर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हो रही है तो ये फॉर्मूला क्लियर है। तो मैंने अपने फॉर्मूलाज को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, साथ में डिवाइड भी हो रहे हैं, तो रूल तो वही लगेगा, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा डी बाई डी। एरर सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं, एरर हमेशा ऐड होते हैं, तो फॉर्मूला ये बनेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक। और अगर सपोज करो मैं इसे एक और जो है इसमें पावर लगा देता हूं, सपोज इसकी पावर है एक्स वाई जेड एंड सपोज पी, तो मान लो पावर लगा दी, पावर को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट लगा दिया, तो हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे, सीधा रिजल्ट कर रहे हैं, प्रूफ नहीं हमने करने हैं। तो रिजल्ट ये है, आपका जो आंसर होगा, जो ए में एरर आया वो इसकी पावर अगर एक्स है तो कितने टाइम हो जाएगा, एक्स टाइम हो जाएगा। ये मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आया जिसकी पावर्स हैं, तो पावर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको रिलेटिव एरर के साथ। तो जैसे इसमें रिलेटिव एरर कितना है, डेल्टा ए बाई ए, और पावर कितनी है, एक्स, तो एक्स इंटू डेल्टा ए बाई ए। बी की पावर कितनी है, वाई, तो बी के एरर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई से। सी की पावर कितनी है, जेड, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जेड के साथ। डी की पावर कितनी है, पी, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी के साथ। हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे, प्रूफ हमने बहुत कर लिए, ये बिना प्रूफ के है, और सीधा मैंने आपको इसका रिजल्ट बता दिया। तो आज के बाद अगर कोई फॉर्मूला इस टाइप से आता है, एक्सपोनेंट जेड इज इक्वल टू ए रेज टू पावर पी बी क्यू आर सी आर और डी एस, तो इसको देखते हुए एरर का रूल क्या बनेगा, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू क्या, बोलो, पी इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस आर इंटू डेल्टा सी बाय सी प्लस एस इंटू डेल्टा डी बाय डी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? करके देखो एक बार। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में दे दिया मैंने, लेट अस सपोज जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी रेज टू पावर 3/2 सी रेज टू पावर 7/2। तो बताएं जरा एरर का, इसमें रिलेटिव एरर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, इसमें बोलें डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 2 इंटू, बोलो कितना, डेल्टा ए बाय ए प्लस 3/2 इंटू कितना, डेल्टा बी बाय बी प्लस 7/2 इंटू कितना, डेल्टा सी बाई सी। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये रूल कैसे लिखना, समझ में आ रहा है यहां तक? राइट right? क्लियर है? तो फिर एक और फॉर्मूला दे रहा हूं, उसमें लिख के दिखाओ, क्योंकि ये तो आपको लिखना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं, एक और प्रॉब्लम देता हूं। सपोज क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड टी या कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई, 2 into π अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी। बनाओ इसमें क्या बनेगा फॉर्मूला, इसमें रूल है डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा जी बाई जी। तो कैसे लिखोगे फॉर्मूला, सबसे पहले पावर देखो, टी इज इक्वल टू 2 into π, एल की पावर क्या है, हाफ, जी की पावर क्या है, हाफ। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? पावर्स लिख दी आपने इसमें, ठीक, लगाएं रूल, इसमें एक्सपोनेंट दिख रहे हैं, पावर दिख रही है, डिवीजन दिख रहे हैं, तो बोलो क्या आएगा, डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू, यहां पर क्या लगा हुआ है, टू,
तो कायदे से क्या आना चाहिए, डेल्टा 2/2। पर हमें कैलकुलस किया है, हमने एक रूल किया है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, और 2 क्या है, कांस्टेंट। एक तरफ मैं कह रहा हूँ 2 इज अ कांस्टेंट, और एक तरफ कह रहा हूँ कि 2 में चेंज कितना है, भाई कांस्टेंट में चेंज क्या होता है, जीरो। तो इसीलिए जब आप एरर के रूल्स लगाएंगे उसमें कांस्टेंट जो टर्म आएगी इसका डेल्टा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर क्या आएगा, जीरो। इसीलिए जब एरर का रूल लगेगा, जब एरर्स लगेंगे तो कांस्टेंट 2 इज अ कांस्टेंट, तो इसको लेंगे तो आंसर जीरो, पाई इज अ कांस्टेंट, इसका आंसर भी डेल्टा पाई क्या आएगा, जीरो। तो छोड़ दें इसे। फिर एल की टर्म में हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल, जी की टर्म में हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं, क्लियर है यहां तक? तो आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें डेल्टा टी बाई टी सबको पता है, हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल ये भी पता है, हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी ये भी पता है। प्रॉब्लम थी 2 और पाई में, तो आपने अगर लगाने तो लगाओ ना, डेल्टा 2/2 क्या फ़ायदा, डेल्टा चेंज, 2 इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में देर इज नो चेंज, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जब भी हम ये एक्सपोनेंट के रूल लगाएंगे और रिलेटिव एरर्स कैलकुलेट करेंगे और बीच में कहीं अगर कांस्टेंट आएंगे तो कांस्टेंट को लें ना लें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट में कभी भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती। पाई की वैल्यू में क्या चेंज है, कुछ भी नहीं, ऑब्जर्वेशन में पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 है, 22/7 है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, उसमें एरर ही नहीं है, तो उसको छोड़ दें। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आज यूज़ करेंगे तब समझ में आएगा इसको कैसे करना है, पर ये पॉइंट क्लियर है। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये तो आपको लगाना आ गया, अब रिप्रेजेंटेशन देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इज 2%। तो जब मैं ये बोलूंगा ना, स्टेटमेंट में लिखा होगा परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इज 2%, तो उसमें इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, परसेंटेज एरर को कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। तो यानी कि आपको क्या गिवन होगा, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 कितना परसेंट, 2%। फिर वो कहेगा परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी इज 3%, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ सी इज 4%, तो क्या लिखोगे, डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 इज 4%। मतलब हम इतनी सेंटेंस नहीं लिखा करेंगे फिजिक्स में कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ सी, कौन लिखेगा इतना बड़ा, सीधा लिखेंगे डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। क्या पॉइंट क्लियर है? तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि ए के अंदर परसेंटेज एरर 2% गिवन है, बी के अंदर परसेंटेज एरर 3% गिवन है, सी में परसेंटेज एरर 4% गिवन है, और ए बी सी आपस में ऐसे रिलेटेड है, ये फॉर्मूला भी आपको दे रहा है, और क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जेड। तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100। तो क्या स्टेप क्लियर है? तो क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर इन जेड को कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100। क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये मुझे निकालना है, तीन वैल्यूज मुझे गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, ये निकालना है। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए सबसे पहले एरर का एक्सपोनेंट का रूल बोलो क्या लगेगा, डेल्टा जेड बाई जेड 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए, 4 इंटू डेल्टा बी बाई बी, प्लस 5 इंटू डेल्टा सी बाई सी। पहला स्टेप क्लियर है, क्योंकि बात परसेंटेज की हो रही है और ये रिलेटिव एरर फ्रैक्शंस में होते हैं, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई, इन टर्म्स को भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, इंटू 100 इंटू 100 इंटू, कोई फर्क नहीं, हर टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं, लेफ्ट और राइट क्लियर है। अब मेरे को मेरे क्वेश्चन में परसेंटेज एरर इन ए गिवन है, कितना गिवन है, परसेंटेज एरर इन ए 2%, तो मैं इस पूरे को रिप्लेस करूंगा बाय 2%। परसेंटेज एरर इन बी गिवन है कितना, 3%। परसेंटेज एरर इन सी गिवन है कितना, 4%। तो इसे सॉल्व करके कितना परसेंट आ गया, 36% आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत आसान है, आपको परसेंटेज एरर्स गिवन होंगे,
आपको परसेंटेज एरर निकालना होगा, आपने एरर का रूल लगाना है, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज को पुट करना है, अपने आप परसेंटेज एरर इन जेड आ जाएगा। तो ये रूल सबको समझ में आया? कैसे मैंने समझाया? जैसे जैसे सपोज क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, वो कह रहा है कोई रेजिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला इज वोल्टेज अपॉन करंट, तो आर इक्वल टू वी बाय आई, सबको पता है वी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी बाय आई। तो क्वेश्चन में गिवन है वी की वैल्यू प्लस माइनस एरर, तो क्या गिवन है? वी प्लस माइनस डेल्टा वी। क्वेश्चन में गिवन है करंट प्लस माइनस डेल्टा आई, तो करंट की वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है विद एरर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि जब वो आपको वी दे रहा है विद एरर, तो ये वी बनेगा, ये डेल्टा वी बनेगा, ये आई बनेगा, ये डेल्टा आई बनेगा। क्लियर है? क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन आर। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वी डिवाइडेड बाय आई, ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड। डिवाइड में क्या फॉर्मूला किया था? डिवाइड में फॉर्मूला किया था डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई, डिवीजन का फॉर्मूला लग गया इसमें एरर्स का। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन आर। लिखेंगे कैसे उसे? डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। तो ये निकालना है आपको। आपने इस फॉर्मूले से ये वैल्यू लिख दी, दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई, तो इसे भी और इसे भी, तो ये टर्म आ गई। ये क्या टर्म है? परसेंटेज एरर इन आर, ये निकालना है। क्या चाहिए आपको? डेल्टा वी, वी डेल्टा आई और आई। इस क्वेश्चन में ये क्या है? डेल्टा वी, ये क्या है? सॉरी वी, ये क्या है? डेल्टा वी, ये क्या है? आई, ये क्या है? डेल्टा आई। तो ये चारों वैल्यूज को यहां पुट कर दिया, इन्हें सॉल्व किया, सॉल्व करके परसेंटेज की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, परसेंटेज एरर के दो क्वेश्चंस करवाए। अब डिपेंड करता है ना, जो पिछला क्वेश्चन है उसमें आसान था, उसमें आपको ये वैल्यूज नहीं गिवन थी डेल्टा एट ए की, सीधा ही परसेंटेज एरर गिवन था, आपने सीधा रूल लगाया, 100 से मल्टीप्लाई किया, कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं, पूरे की पूरी वैल्यू को ही 2% से सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक मिनट में आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन के अंदर रूल लगाया, 100 से मल्टीप्लाई किया, अगर वो मुझे परसेंटेज एरर इन वी देता 2%, तो मैं सीधा 2% पुट कर लेता। उसने परसेंटेज एरर नहीं दिया, उसने इंस्टेड ऑफ गिविंग परसेंटेज एरर मुझे क्या दिया? डेल्टा वी, वी डेल्टा आई और आई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो मैंने भी वैल्यूज पुट की, परसेंटेज एरर को मैंने निकाल लिया। कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक ठीक है, ओके। आज इसी की प्रैक्टिस करेंगे बार बार। जैसे सपोज क्वेश्चन है एरर इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मास ऑफ क्यूब, एक क्यूब है उसकी साइड और मास के अंदर एरर गिवन है, और एरर किस फॉर्म में गिवन है बोलो? परसेंटेज। चलो एक काम करते हैं, साइड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को अगर एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 3% किसके अंदर एरर गिवन है? किसका परसेंटेज एरर है? साइड का। तो क्या होगा इसमें? क्या गिवन है? डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 कितना गिवन है? 3%। साइड पे लिख लें, और मास में परसेंटेज एरर को कैसे लिखेंगे? डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 कितना आएगा? 4%। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। तो ये आपके पास परसेंटेज एरर की वैल्यू आ गई, गिवन है, ये मुझे गिवन है। मुझे क्या निकालना है? फाइंड मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन डेंसिटी ऑफ मटेरियल। फिजिक्स में डेंसिटी को या तो डी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या डेंसिटी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को प्रोनाउंस किया जाता है बाय रो। रो जैसे अल्फा बीटा गामा म्यू रो, तो ये रो फॉर डेंसिटी। हालांकि रो का मतलब डेंसिटी होती है, पर अगर ये कॉपीराइट नहीं है कि रो का मतलब डेंसिटी होगी, मेरी मर्जी। अगर मैं अपने मास को रो इज इक्वल टू 10 kg लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ भाई, ये थोड़ी ना है कि मास एम ही होगा, वो अलग बात है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग ईजी करने के लिए मास को एम लिखते हैं,
तो ऐसे ही अपने अंडरस्टैंडिंग को ईजी करने के लिए डेंसिटी को रो लिख देते हैं। तो मान लो रो इज द डेंसिटी, आपको क्या निकालना है, एरर इन डेंसिटी ऑफ द मटीरियल। रादर मुझे देना चाहिए कि कौन सा एरर निकालना है आपको, क्योंकि अकेला अगर एरर लिखा तो आप मुझे क्या निकाल के दोगे, डेल्टा रो। अगर अकेला एरर है तो इसका मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा रो। लेकिन वो आपको जो टर्म्स दे रहा है वो परसेंटेज की फॉर्म में दे रहा है, तो मुझे यहाँ देना चाहिए फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल, यहाँ लिख लेना परसेंटेज एरर। तो मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मुझे कौन सा एरर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में क्या निकाल के दोगे मुझे, डेल्टा रो बाय रो इनटू कितना, 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये आपको ढूंढना है। आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डेंसिटी का, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है बोलो, साइड का क्यूब। साइड क्या है इसमें, ए, तो यहां पर क्या आएगा, ए का क्यूब। ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, सही लिखना, डेंसिटी इज इक्वल टू एम अपॉन ए का क्यूब। क्लियर है, तो लगाओ इसमें एक्सपोनेंट रूल और बताओ इसमें परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी कितनी है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना है, लगाओ रूल इसमें। रूल लगेगा क्या वैसे, बोलो जरा एक बार, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू बोलो क्या, डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 इंटू डेल्टा ए बाय ए। क्या ये स्टेप क्लियर है, क्योंकि एक्सपोनेंट है इसमें डिवीजन है, तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 इंटू डेल्टा ए बाय ए। क्योंकि गिवन भी परसेंटेज है, निकालना भी परसेंटेज है, तो दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो आप एक काम करो, इन दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करो। एक सेकेंड प्लीज, बताना जरा, डेंसिटी के अंदर हमने इस क्वेश्चन में एरर निकालना है, यही क्वेश्चन है ना। मास में एरर बोलना कितना है, कितना 3%, कितना 4%। ओके, तो मास में जो एरर गिवन है वो है 4%, और साइड में कितना गिवन है, 3%। ओके, ये 3%। ओके, ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज साइड का क्यूब। तो रूल इज डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 इंटू डेल्टा ए बाय ए। 100 से दोनों साइड्स को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो ये लो, इंटू 100, यहाँ पर 100, 3 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। क्लियर है, अब आपको ये पता है, ये आपको निकालना है मास के अंदर परसेंटेज एरर कितना गिवन है, 4%। 3 इंटू ए के अंदर परसेंटेज एरर कितना गिवन है, 3%। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, ये 9 9 प्लस 4 13%। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, मेथड क्लियर है यहाँ तक, डाउट इसमें। तो बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला पता है, रूल तो एक्सपोनेंट का ही लग रहा है सब में, तो आप उस एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाएं, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो परसेंटेज एरर तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ओके देखो, तो नेक्स्ट ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लेक्चर में से एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में स्कूल लेवल 100% आएगा,
एक क्वेश्चन आपका नीट में 100% आएगा, मेंस में भी आएगा। तो मतलब आज के लेक्चर में आप ये मान सकती हो कि आज का लेक्चर बहुत कंस्ट्रक्टिव है, पिछले लेक्चर के अंदर थ्योरी थी पर आज इसका एप्लीकेशन है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जो आज हम करेंगे और जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो आज इसको हम प्रैक्टिस करेंगे पूरे सेशन में। तो द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, वो कह रहा है कि हम ना टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं किसका, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो मूव करना, किसका, सिंपल पेंडुलम का। ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक धागा लो, पत्थर लगाओ, उसको मूव करवाओ, तो ये एक सिंपल पेंडुलम है, राइट। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का मतलब ये होता है कि मान लो आपका पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया, वापस आया, एक चक्कर पूरा हो गया, जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस आया, इसका टाइम टेकन इज टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। फिर अगली बार फिर गया, फिर टाइम पीरियड टी, अगली बार फिर गया, टाइम पीरियड टी। सोचो अगर वैक्यूम हो, एयर ना हो, एयर हो फिर तो पेंडुलम रुक ही जाएगा, अगर एयर ना हो, वैक्यूम हो, तो टाइम पीरियड विल ऑलवेज रिमेन सेम। और वो फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, ये होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी। ये फॉर्मूला हम डराइव करेंगे आने वाले टाइम में कि ऐसा क्यों होता है, ये फॉर्मूला हम डराइव करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ना तो हम पेंडुलम को स्टडी करने वाले हैं, ना ही पेंडुलम के टाइम पीरियड को स्टडी करने वाले हैं, ना ही हम ये देख रहे हैं ये फॉर्मूला कैसे आया। हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि अगर टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है तो हमें किसी भी क्वेश्चन में, एरर्स के किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं देखना कि एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने ये देखना है कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला हमें दे दिया उसने, अब वो क्या कह रहा है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू आपको दे रहा है 20, तो एल दे दिया उसने 20, एंड नोन टू हैव एक्यूरेसी ऑफ 1 mm, जब ऐसा लिखा होगा नोन टू हैव एक्यूरेसी ऑफ 1 mm, इसका मतलब होता है क्या है, गिवन डेल्टा एल। तो आपको एल गिवन है, आपको डेल्टा एल गिवन है, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, कह रहे 100 बार ऐसे पेंडुलम मूव करता है, चाहे जितनी मर्जी बार मूव करे, कह रहे कि टाइम की वैल्यू कितनी है 90 सेकेंड, वो कितना समय लेता है 90 सेकेंड। तो एक तरीके से आपको क्या दिया, एल दिया, डेल्टा एल दिया, कैपिटल टी दिया, एंड ये टाइम पीरियड कैसे मेजर किया, रिस्ट वॉच, हमारी हेडेक थोड़ी ना है कैसे मेजर किया मेरे को मतलब नहीं है, हाँ मुझे इतना पता है 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी, रेजोल्यूशन, ये सब एब्सोल्यूट एरर्स हैं, तो ये क्या गिवन है, इसका एब्सोल्यूट एरर गिवन है। तो आपको लेंथ दे दी, आपको डेल्टा एल दे दिया, आपको कैपिटल टी दे दिया, आपको डेल्टा कैपिटल टी दे दिया। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी, मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, जी के अंदर एरर पूछ रहा है क्या होगा। तो एक्यूरेसी इन एरर ऑफ जी का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालनी है। तो यानी कि आपको एब्सोल्यूट एरर बताना है डेल्टा जी में क्या होगा, जी में एरर क्या होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या गिवन है, फॉर्मूला मुझे गिवन है, फॉर्मूला मुझे गिवन है, एल मुझे गिवन है, डेल्टा एल मुझे गिवन है, टी मुझे गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है, डेल्टा जी मुझे निकालना है। एरर्स को रिप्रेजेंट करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या था, एब्सोल्यूट एरर। तो अगर मैं पूछता हूँ जी में एरर निकालो, तो आप मुझे बताओगे डेल्टा जी की वैल्यू, एक आंसर। आप अपना आंसर एक और तरीके से बता सकते हो, और वो क्या, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में आप मुझे क्या बताओगे, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, ये क्या आएगा, परसेंटेज एरर। अब आपको पता कैसे लगेगा कि क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है या एब्सोल्यूट निकालना है, अगर वो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करता फिर तो आपको डेल्टा जी निकालना है। लेकिन अगर वो मेंशन करता है फाइंड परसेंटेज एरर इन जी, फिर आपको परसेंटेज निकालना है। देखो एरर दो ही तरीके से निकलते हैं, या तो 50% ऑफ क्वेश्चन में वो एब्सोल्यूट एरर पूछेगा, या 50% में परसेंटेज पूछेगा। एब्सोल्यूट पूछा तो डेल्टा जी निकलेगा, परसेंटेज पूछा तो डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 निकलेगा। ये समझ में आ रहा है पहले यहाँ तक, तो नोट कर लो इसमें, एब्सोल्यूट एरर में डेल्टा जी निकलेगा, परसेंटेज में डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 निकलेगा। जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 वैल्यू होती है जिसकी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भाई जी है।
ठीक। क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को भी, क्या गिवन है और क्या निकालना है, कोई डाउट इसमें? ठीक यस है, ओके, करें स्टार्ट। तो देखो, इस क्वेश्चन में अगर आपको डेल्टा जी निकालना है तो ये अंडर रूट है। मैंने आज क्वेश्चन भी पूछा था अंडर रूट को कैसे सॉल्व करना होता है, तो आपने करके भी दिखाया मुझे। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक साइड पे लिख लेता हूँ। लेंथ बोलना कितना गिवन है, कितना 20 सेंटीमीटर, और डेल्टा एल कितना है 1 mm है। 1 mm को सेंटीमीटर में आएगा तो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर रखेंगे सारे यूनिट्स, क्योंकि अगर एल सेंटीमीटर है तो डेल्टा एल भी फिर सेंटीमीटर ही रखेंगे। ऐसा नहीं होगा आधा यूनिट तो मीटर है आधा सेंटीमीटर, नहीं, यूनिफॉर्मिटी रखेंगे, क्योंकि हमें डिवाइड करना है डेल्टा एल बाई एल, तो डिवाइड करने पे दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। बोलो टाइम पीरियड कितना गिवन है 90, और डेल्टा टी कितना गिवन है 1, लिख लिया मैंने। फॉर्मूला क्या गिवन है मुझे, फॉर्मूला गिवन है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ बोलो कितना एल बाय जी। कॉमन मिस्टेक जो मैं करने जा रहा हूं और आप भी करेंगे, ध्यान से देख लेना, कॉमन मिस्टेक, मैं गलत करूंगा अभी, ठीक है, नोट नहीं करना, ये कॉमन मिस्टेक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल की पावर हाफ जी की पावर हाफ, राइट। क्या निकालना है मुझे, मुझे डेल्टा जी निकालना है, ये भी लिख लेते हैं, मुझे डेल्टा जी निकालना है। या अगर मैं कहूं कि मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो फिर मैं यहां पर क्या बोलूंगा, मुझे क्या निकालना है बोलो, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100। पहले ये निकाल लेता हूं फिर डेल्टा जी भी निकाल दूंगा, दो पार्ट्स में करूंगा क्वेश्चन, राइट। तो पहले परसेंटेज निकालूं, परसेंटेज के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया, एरर का रूल लगाया। बोलो एरर का रूल क्या है, डेल्टा टी बाय टी, 2 में एरर क्या है कुछ भी नहीं छोड़ दो, पाई में एरर क्या है कुछ भी नहीं छोड़ दो, नेक्स्ट हाफ इंटू डेल्टा एल बाय एल प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी बाय जी। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट ये सिखाया था मैंने, क्लियर है? मुझे क्या निकालना है, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। तो मैंने इस टर्म को तो रख लिया एक तरफ, ठीक है, इस टर्म को इधर ले आया, तो डेल्टा टी बाई टी माइनस हाफ इंटू डेल्टा एल बाय एल। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? कोई गलती इसमें, गलती है, क्या गलती है, एरर्स माइनस नहीं हो सकता। क्या बोला था पिछले लेक्चर में, अगर कहीं आपके एरर्स माइनस होने स्टार्ट हो जाएं, बस पेन आगे मत चलाना, 100% एरर में से एरर कभी सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। आपने यानी कि क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है, पर आप कहोगे मैंने तो ठीक किया है क्योंकि रूल तो मैंने सिखाया था, क्या प्रॉब्लम है इसमें, सही है। तो एक रूल और सुनो, रूल बिल्कुल ठीक है, ऐसे ना करो, जिस टर्म में एरर निकालना है, किसमें निकालना है, जी में, उसको यहां मत रखो, उसको लेफ्ट की तरफ ले जाओ। मैंने तो राइट पर रख लिया ना, मुझे जी में एरर निकालना है, यहां पे मत लेके आओ। तो आप क्या करो इसमें, ये देखो, आप सिंपली फिर से क्वेश्चन को देखो, आप ऐसा कर लो, चाहे इसको स्क्वेयरिंग कर लो कोई फर्क नहीं, ना भी करो तो भी कोई बात नहीं, स्क्वेयरिंग कर लेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, पाई का स्क्वायर क्या होगा पाई स्क्वायर, एल अंडर रूट है, तो ये क्लियर है यहां तक, स्क्वायर कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किसमें एरर निकालना है, जी में, तो सबसे पहला स्टेप जी को लेफ्ट की तरफ रखो, जब आप जी को लेफ्ट की तरफ रखोगे अब लगाओ एरर का रूल, बोलो क्या आएगा, डेल्टा जी बाई जी,
फोर में एरर जीरो, पाई में एरर जीरो, डेल्टा एल बाय एल प्लस टू इंटू डेल्टा टी बाय टी, कोई डाउट इसमें? सारे एरर ऐड होने स्टार्ट हो गए और जो निकालना है ऑटोमेटिकली लेफ्ट की तरफ आ गया, कोई डाउट इसमें? तो पहला रूल, जब आपको इस टाइप का फॉर्मूले के बनोगे कुछ भी और आपको एरर अगर टी में निकालना है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर अगर आपको एरर जी में निकालना है जो राइट साइड पे घूम रहा है, सबसे पहले उसको फॉर्मूले को सही करके उसे लेफ्ट पे लेके आओ और जिनमें एरर्स गिवन है उनको राइट पे लेके आओ। जैसे आपको एल गिवन है, टी गिवन है और क्या निकालना है, जी निकालना है, तो जी को लेफ्ट में, बाकी टर्म्स राइट में। अब रूल लगाओ तो ये आंसर आएगा। अब ये बिल्कुल सही है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर ना मैं दो क्वेश्चन करने जा रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन में गिवन हो फाइंड परसेंटेज एरर इन जी, तो फिर तो आप क्या निकालोगे, डेल्टा जी बाय जी इनटू 100। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहे कि डेल्टा जी निकालो, फिर कोई बात नहीं, आप जी को राइट साइड पे लेके डेल्टा जी को निकाल देना। फॉर्मूला यहां तक तो ये स्टेप दोनों में क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, दोनों में कोई फर्क नहीं। क्लियर है यहां तक? अब वैल्यूज पुट करें तो अगर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, तो दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से। तो ये
देखो, तो ये मैंने दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से। ये लो, ये 100 से मल्टीप्लाई, बताओ जब, यानी परसेंटेज एरर इन जी निकल। तो अगर आपको परसेंटेज एरर इन जी निकालना है तो अब 100 से मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेल्टा एल क्वेश्चन में पता है ना, इस क्वेश्चन में डेल्टा एल की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, टी पता है, डेल्टा टी पता है। तो आप डेल्टा एल, एल टी एंड डेल्टा टी को पुट करके क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज एरर इन जी। क्लियर है यहां तक? जैसा कि मैंने इस शीट में ऑलरेडी यही किया हुआ है। ये लो, 100 से मल्टीप्लाई, मैंने डेल्टा एल, एल डेल्टा टी, टी पुट किया, सॉल्व किया, तो मेरे पास परसेंटेज एरर कितना आया, 2.72%। कोई डाउट इसमें? ये कब करेंगे, जब क्वेश्चन पूछने वाला क्या कहेगा, फाइंड परसेंटेज एरर इन जी। लेकिन अगर वो कहेगा कि नहीं सिर्फ एरर निकालो जी में, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देना। वो क्या? क्योंकि ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जी की करेक्ट वैल्यू क्या होती है, 9.8, तो पुट कर दो 9.8, तो यहां से डेल्टा जी आ जाएगा 2.72 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 100। ये आंसर आपका डेल्टा जी का माना जाएगा। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने वाला परसेंटेज एरर पूछता है या फिर डेल्टा जी पूछता है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? मेथड समझ में आ रहे हैं? बोलो जी। एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, ग्रेविटी 9.8, ठीक है यहां तक, जिसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो परसेंटेज एरर आ गया, परसेंटेज एरर से डेल्टा जी तो फिर इजीली कैलकुलेट हो ही जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब मैंने ये परसेंटेज क्यों निकाला, ये भी आपको रीजन देता हूं। मैंने डेल्टा जी नहीं निकाला अपने सॉल्यूशन में, मैंने क्या निकाला, परसेंटेज एरर। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने मेरे को जी की वैल्यू दी नहीं थी। अब मेरे को ये डाउट था कि क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन किस पे कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर उसको वही 9.8 पता होती तो फिर ये कैलकुलेशन क्यों करता जी की कैलकुलेशन में। तो इसलिए मैंने जी का डेल्टा जी निकाला ही नहीं, मैंने क्या बोल दिया, मैं परसेंटेज निकाल देता हूं, जी की वैल्यू पुट करने की यहां पर जरूरत है ही नहीं। समझ में आया? तो अगर डेल्टा जी निकालना होगा तो वो आपको जी की वैल्यू जरूर देगा। पॉइंट समझ में आया? मैंने अपने सॉल्यूशन में डेल्टा जी क्यों नहीं निकाला, मैंने परसेंटेज क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में जी के ऊपर एक्सपेरिमेंट है और करेक्ट वैल्यू ऑफ जी वो मुझे बता नहीं रहा। और अगर मैं अपने मन से 9.8 पुट कर भी लेता हूं तो फिर एक्सपेरिमेंट का फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी 9.8 वैल्यू हमें पता ही थी कॉन्स्टेंट। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो इसलिए मैंने फिर क्या किया, मैंने परसेंटेज एरर ही निकाल के छोड़ दिया। ठीक, पर अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। आपको क्वेश्चन में मेंशनड होता है एब्सोल्यूट एरर निकालना है या परसेंटेज एरर निकालना है, तो आप इसकी टेंशन ना लें, क्लियरली मेंशनड होगा परसेंटेज है या एब्सोल्यूट है। क्लियर है यहां तक? तो मेथड समझ में आ रहा है कि रूल एक्सपोनेंट के कैसे लगेंगे, कोई डाउट इसमें? ठीक, इस शीट के बाद शीट 3, क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस सिंबल का नाम है सिग्मा, इसे भी सिग्मा बोलते हैं, और भी सिग्मा होते हैं, ये भी सिग्मा है। एक रो सीखा आज आपने, एक आपने सिग्मा सीख लिया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा किसी वायर का
जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और रेडियस उस वायर का क्रॉस सेक्शन का स्मॉल आर है एंड लेंथ उसकी लंबाई कैपिटल एल है, इस फॉर्मूले से गिवन है। आपको सर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया? मुझे भी नहीं आया, मैंने भी ये फॉर्मूला पहली बार देखा है, हम इसे यूज़ भी नहीं करते फिजिक्स में, मुझे पता नहीं कैसे बना, रैंडम कुछ भी बना दिया पूछने वाले ने। तो हम इंटरेस्टेड नहीं है कि वो फॉर्मूला सही बता रहा है गलत बता रहा है, जो उसने दिया हमने फॉर्मूला नोट कर लिया। इसकी कैलकुलेशन में वो कह रहे हैं कि स्मॉल आर विद एरर आपको वो दे रहा है, स्मॉल आर विद एरर वो आपको दे रहा है, आपको कैपिटल आर विद एरर दे रहा है, लेंथ विद एरर दे रहा है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? स्मॉल आर, ये क्या है स्मॉल आर विद एरर, कैपिटल आर डेल्टा आर, कैपिटल एल डेल्टा एल, क्लियर है यहां तक? सारी वैल्यूज दे रहे हैं 6 की 6। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन सिग्मा। तो रिप्रेजेंटेशन बोलो इसकी क्या होगी परसेंटेज एरर की, यानी कि डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा इंटू 100, ये निकालना है आपको। क्लियर है यहां तक? तो फॉर्मूले की डेप्थ में नहीं जाना कि भाई मैं क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं करूंगा, पहले मुझे बताओ फॉर्मूला कहाँ से आया, पहले ये बताओ कि यार तुम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हो, तुम्हें साइंटिस्ट बनने की क्या जरूरत है, वो कर चुका अपना साइंस जो करनी थी। वो कह रहा है भाई मैंने लगा लिया फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला मुझसे और मुझसे गलतियाँ भी हो गई हैं, अब तुम बस गलती पर काम कर दो, क्या हुआ? तो आपको ये निकालना है। तो ये फॉर्मूले को देखते हुए आप प्लीज रूल बोलो क्या लगाओगे, डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा, पाई में डेल्टा पाई क्या होता है 0, लेने की जरूरत नहीं है, 2 into डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस डेल्टा कैपिटल एल बाय कैपिटल एल। कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला जो भी गिवन था मैंने लगा दिया फॉर्मूला। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा इंटू 100 निकालना है, दोनों साइड्स को 100 से क्या कर दें मल्टीप्लाई, ये लो, ये मैंने इन दोनों को 100 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ये स्टेप भी क्लियर है? आपको ये टर्म निकालनी है, सबको पता है सारी वैल्यूज तो आपको गिवन है, पुट करें तो 2 into बोलो डेल्टा आर कितना गिवन है, डेल्टा छोटा आर ये रहा कितना 0.02, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 0.26 इंटू 100 प्लस डेल्टा आर कितना गिवन है 1, कैपिटल आर कितना गिवन है 32 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल कितना गिवन है 0.01, एल कितने 78 इंटू 100। इसे 2 मिनट लें, सॉल्व करें और चेक करें आंसर 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वो पता नहीं कितना है, सॉल्व करें ट्राई करें आ रहा है कि नहीं आ रहा। आंसर 18.5 के आसपास आएगा, एक बार ट्राई करें प्लीज। यस इसके यूनिट्स हैं प्लीज, ये रेडियस है तो यूनिट सेंटीमीटर्स हैं, रेजिस्टेंस है तो ओम है, लेंथ है तो सेंटीमीटर है, विद यूनिट्स दे रहा है। करो ट्राई।
हाँ जी ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 18.5 के आसपास आंसर आएगा, 18.41। ओके चलो कोई बात नहीं। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको एक बार प्लीज पढ़ें। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, चलो डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है एस, ये क्या है डेल्टा एस। टाइम ये टी है, तो ये कितने हैं डेल्टा टी। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। तो ये बताओ कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, सुना हुआ है? तो वी क्या होता है एस अपॉन टी, ये भी क्लियर है। फॉर्मूला ये यूज होगा, फॉर्मूला गिवन नहीं है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि ये फॉर्मूला खुद बना लेंगे। और परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी निकालना है, तो इसमें क्या निकालना है? डेल्टा वी बाय वी इनटू 100। ट्राई करें प्लीज़, आंसर 3.5% आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करें। लगाएं फॉर्मूला डिवीजन का, तो डिवीजन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय एस प्लस डेल्टा टी बाय टी। ओके क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट एस प्लस माइनस डेल्टा एस गिवन है। डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी की 200 मीटर है, उसमें एरर गिवन है। तो ये क्या गिवन है? ये एस गिवन है कि डेल्टा एस गिवन है। और टाइम टेकन बाय इट का मतलब टी गिवन है और प्लस माइनस डेल्टा टी गिवन है। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। तो ये निकालना है, पहले फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना डिस्प्लेसमेंट का, टाइम का और वेलोसिटी का। तो फिजिक्स में आपने फॉर्मूला सुना होगा 10th में 9th में, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, एस इज इक्वल टू वी इनटू टी। तो यहाँ से सॉल्व करके वी क्या आएगा? एस अपॉन टी, ऐसे ही होगा ठीक। तो यहाँ से डिवीजन हो रही है ना, तो डिवीजन में रूल क्या लगेगा? डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय एस प्लस डेल्टा टी बाय टी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? ठीक, आगे। अब ये फॉर्मूले में आपको परसेंटेज निकालना है, तो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? 100 से। तो 100 से दोनों साइड्स को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, ये देखो ये लो ठीक। इसके अंदर डेल्टा एस की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी? डेल्टा एस कितना है? 5 अपॉन 200 इंटू 100 प्लस डेल्टा टी और टी भी गिवन है 0.2 अपॉन 20 इंटू 100। तो सॉल्व करें, परसेंटेज कितना आ रहा है? 3.5%। मेथड क्लियर है? तो आपको परसेंटेज एरर निकालने का तरीका समझ में आ गया। तो आप इस डिटेल में बिल्कुल भी ना जाएं, और बहुत लोगों की ये समस्या है, सर मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा क्या हुआ? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और पता नहीं क्या यंग्स मॉडुलस, ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम लिखे जा रहे हैं, मेरे को तो पता ही नहीं क्या होते हैं। तो मैंने क्या बताया? आपने एक्सपेरिमेंट की डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ये देख रहे हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है, बस आपको फॉर्मूले से मतलब है, ख़त्म। आपको मतलब ही नहीं है कि वो कहाँ से आया फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ओके, तो इस क्वेश्चन के बाद ये करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वोल्टेज ऑफ अ लैम्प गिवन है, तो लेट अस सपोज ये कितना है? वी। तो ये कितना है? प्लस माइनस डेल्टा वी। करंट, तो करंट का मतलब ये कितना है? आए। तो ये कितना है? डेल्टा आए। क्लियर है? क्या निकालना है? पावर विद एरर, उसमें बोला ही नहीं। फाइंड परसेंटेज चेंज इन पावर, फाइंड परसेंटेज एरर इन पावर। तो मैं क्यों निकालूं डेल्टा पी बाय पी इनटू 100? उसने बोला बस पावर में एरर निकाल दो। तो इसका मतलब
मैं क्या निकालूंगा, पावर विद एब्सोल्यूट एरर, तो मैं क्या निकालूंगा, पी प्लस माइनस डेल्टा पी। मैं परसेंटेज में काम नहीं करूंगा क्योंकि उसने मुझे क्वेश्चन में परसेंटेज बोला ही नहीं, ना दिया कोई परसेंटेज में, ना पूछ रहा है, तो फिर जैसा दे रहा है वैसे मैं दे दूंगा। तो मेरे से क्या दे रहा है, मेरे को क्या दे रहा है, वी प्लस माइनस डेल्टा वी, आई प्लस माइनस डेल्टा आई, तो मैं क्या दूंगा आंसर में, पी प्लस माइनस डेल्टा पी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब पावर का वोल्टेज और करंट का फॉर्मूला बोलो, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, राइट। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो करो कैलकुलेटर, आंसर चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो अब एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना, और ये ट्रिक बहुत ध्यान से समझनी है आपने। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे थे वो परसेंटेज एरर पे थे, आपने देखा डेल्टा वी बाई वी इंटू हंड्रेड परसेंटेज पे चल रहे थे। ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं अपना आंसर किस में पूछ रहा हूँ, इन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको तीन क्वेश्चन बैक टू बैक करके दिखाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि तीन के बाद ही आपको ट्रिक समझ में आएगी कि करना क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान, इसका मेथड इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। तो जैसे सपोज करो मेरे पास जो क्वेश्चन है, कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आती है तो कैसे करनी है बताओ। इसके अंदर वी प्लस माइनस डेल्टा वी बोलो क्या गिवन है, वैल्यू बोलना, 6 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ओके। और करंट कितना गिवन है, ओके ये गिवन है ना। और मुझे क्या निकालना है, पी प्लस माइनस डेल्टा पी। क्या स्टेप क्लियर है, ध्यान से देखना है ठीक। फॉर्मूला बताओ क्या यूज करना है, पी इज इक्वल टू वी इंटू वाई। क्लियर है यहां तक? इस टाइप की प्रॉब्लम्स में जिसमें पी प्लस माइनस डेल्टा पी, या जिसमें करेक्ट वैल्यू भी है और एरर भी है, एब्सोल्यूट एरर है, ये क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल नहीं है, इस क्वेश्चन में दो न्यूमेरिकल्स हैं। दो चीज़ें अलग अलग निकालनी है आपने। कौन कौन सी दो चीज़ें, पहला क्या निकालना है, करेक्ट वैल्यू ऑफ पी, इसका न्यूमेरिकल अलग चलेगा, और दूसरा क्या निकालना है, एरर इन पी, इसकी कैलकुलेशन अलग चलेगी। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट आधा न्यूमेरिकल सॉल्व करें, आधे न्यूमेरिकल में मुझे क्या निकालना है, पी, और अगले आधे न्यूमेरिकल में क्या निकालना है, डेल्टा पी। तो यानी कि एक मुझे क्या निकालना है, करेक्ट वैल्यू ऑफ पी, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, करेक्ट वैल्यू ऑफ पी। तो मैं हेडिंग बना रहा हूं, मुझे क्या निकालना है, करेक्ट वैल्यू, और फिर मुझे क्या निकालना है, एरर, राइट। तो मुझे दो पार्ट्स करने हैं, करेक्ट वैल्यू निकालना है और एरर निकालना है। करें स्टार्ट, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो यहां पर भी फॉर्मूला में तो कोई चेंज है ही नहीं, चाहे एरर ले लो चाहे करेक्ट वैल्यू ले लो, फॉर्मूला तो सेम ही है। तो जब करेक्ट वैल्यू निकालनी है पावर की, तो वी की करेक्ट वैल्यू बोलो कितनी है, 6। करंट की करेक्ट वैल्यू कितनी है, 4। तो पावर की करेक्ट वैल्यू कितनी है, 24 यूनिट्स इसके क्या है, वॉट्स। तो पहला स्टेप क्लियर है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, तो आधे न्यूमेरिकल में आंसर कितना आ गया, 24। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा पी।
अब डेल्टा पी की कैलकुलेशन के लिए मुझे आधा न्यूमेरिकल फिर अलग सॉल्व करना है, तो आधा हो गया सॉल्व, क्लियर है? हाफ न्यूमेरिकल ध्यान से देखना, डेल्टा पी। अब डेल्टा पी कैलकुलेट करने के लिए रूल कौन से लगेंगे? एरर के रूल लगेंगे। दो नंबर्स आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बोलो क्या लगेगा? डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू क्या? डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। कोई डाउट इसमें? मल्टीप्लीकेशन में यही फॉर्मूला लगता है डिवीजन वाला। मुझे क्या ढूंढना है इसमें? डेल्टा पी। पी मैं निकाल चुका हूं, बोलो पी कितना है? 24, तो ये 24। डेल्टा वी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 0.1, वी गिवन है 6, डेल्टा आई गिवन है 0.2 और आई भी गिवन है कितना? 4। पूरे को सॉल्व करो, 24 ये लो, सॉल्व करके डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.6। आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, यहां क्या पुट करेंगे? तो ये आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया और आंसर क्या आ गया? दिस इज द आंसर। कोई डाउट इसमें? बोलो ठीक है यहां तक? फिर से एक और न्यूमेरिकल करते हैं, फिर से एक और न्यूमेरिकल करते हैं, तीन करने के बाद एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट? ओके, तो लिखो फिर एक न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय 2 ± 0.1 सेंटीमीटर्स, ठीक, सिंपल रेडियस दे रहा है, फाइंड एरिया विद इट्स एब्सोल्यूट एरर। यानी कि मुझे क्या निकालना है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये निकालना है। करो ट्राई। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। शुरू करो। ठीक है, आंसर अभी चेक करते हैं क्या आंसर आया। पहले आप ये देखना कि क्या आपने प्रोसीजर जो मैंने फॉलो किया, क्या आपने वो फॉलो किया कि नहीं किया। ठीक है, तो आपने, हो सकता है इसमें किसी स्टूडेंट ने गलती भी कर दी हो। कॉमन मिस्टेक क्या है वो बताता हूँ, इसमें क्या कॉमन मिस्टेक है। देखो,
जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो आंसर है, मुझे आंसर में क्या चाहिए, ए चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, डेल्टा ए चाहिए। तो मैं इस न्यूमेरिकल को एक नहीं मानता, मैं इसको दो न्यूमेरिकली मानता हूँ कि मुझे आधा पार्ट अलग करना पड़ेगा और आधा पार्ट अलग करना पड़ेगा। ये दो क्वेश्चंस हैं, क्लियर है यहाँ तक? तो आपने भी ऐसे सोचा, तो यानी कि सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, करेक्ट वैल्यू ऑफ ए, पहले एरिया की करेक्ट वैल्यू, और दूसरे पार्ट में क्या ढूंढेंगे, एरर इन ए, यानी कि क्या ढूंढेंगे, डेल्टा ए। क्लियर है यहाँ तक? तभी आपकी बात पूरी बनेगी, ए भी ढूंढेंगे और डेल्टा ए भी ढूंढेंगे। कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला दोनों में क्या यूज होगा, एग्जैक्टली सेम, पाए आर का स्क्वायर, पाए आर का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? यहां तक भी क्लियर है? जब आपने ये करेक्ट वैल्यू ऑफ ए निकाला तो कितने लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, 3.14 या 22/7 जो करना है कर लो, रेडियस की जगह 2 का स्क्वायर, कितने लोगों ने ये पुट किया, कितने लोगों ने पाई को छोड़ दिया? ये कॉमन मिस्टेक है, पाई छोड़ने वाली, ये कॉमन मिस्टेक है, बोला था ना। कॉमन मिस्टेक क्यों है आप कहोगे सर? क्योंकि 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 मैं कौन सा एरर की कैलकुलेशन कर रहा हूं, डेल्टा ही नहीं है, जिसमें डेल्टा होगा, डेल्टा ए डेल्टा आर, उसमें तो पाई छोड़ा जाए, इसमें तो डेल्टा यूज नहीं कर रहा। तो मतलब आज से जो प्लस वन में हो गए तो एरिया ऑफ सर्कल, जिन्होंने मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई छोड़ दो आर स्क्वायर, फिर तो मैथ से गलत हो गया, एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो जब मैं करेक्ट आपको रेडियस की वैल्यू दे रहा हूं तो आप करेक्ट वैल्यू तो पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। तो जब आप करेक्ट वैल्यू ऑफ एरिया निकालेंगे, ये न्यूमेरिकल आधा न्यूमेरिकल जिसमें करेक्ट वैल्यू ऑफ एरिया निकल रही है, इसमें हम एरर का कोई रूल नहीं लगा रहे, हम डेल्टा नहीं लगा रहे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये स्टेप क्लियर है? तो आप इसमें पाई कंसिडर करेंगे, लेकिन जब आप कैलकुलेशन किसमें करेंगे, डेल्टा ए में। अब डेल्टा मतलब चेंज, तो इसमें पावर रूल लगेगा, एक्सपोनेंट का रूल लगेगा, एक्सपोनेंट कितना है, 2, तो बोलो क्या लगेगा, डेल्टा ए बाय ए। अब जब आप पाई में, देखो पाई को ऐसे मत छोड़ो, मेरे कहीं पे मत छोड़ो, पाई को रख लो, जब आप इसमें डेल्टा पाई यूज करेंगे तो डेल्टा पाई, पाई द कांस्टेंट, डेल्टा पाई क्या देगा, 0, तो उसको ऑटोमेटिकली छोड़ना ही पड़ेगा आपको, प्लस सॉरी इज इक्वल टू क्या, 2 डेल्टा आर बाय आर। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप न्यूमेरिकल में करेक्ट वैल्यू ऑफ ए यूज करेंगे, करेक्ट वैल्यू ऑफ ए यूज करेंगे, तो उसमें आप पाई यूज करेंगे, बिकॉज इसमें हम चेंज या एरर या डेल्टा नहीं यूज कर रहे। पर जब हम एरर कैलकुलेट करेंगे एरिया में, तो उसमें ऑटोमेटिकली डेल्टा आएंगे, और पाई का डेल्टा क्या होगा, 0, ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा वो। तो यहां से डेल्टा ए एरिया कैलकुलेट करके कितना आ रहा है बताओ, 12.5, ओके 6, तो एरिया की जगह 12.56 इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर की जगह क्या पुट करेंगे, 0.1, और आर की जगह क्या पुट करेंगे, 2। तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, डेल्टा ए कितना आ रहा है, फिर से 1.25, ओके आधा न्यूमेरिकल और हो गया। तो एरिया की जगह फाइनल आंसर क्या आएगा, 12.56, डेल्टा ए में आंसर क्या आएगा, 1.25। क्या ये स्टेप क्लियर है, ट्रिक समझ में आया, बोलो। मैंने बोला जब आप ए की कैलकुलेशन करेंगे तो आप सिंपल एरिया यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब हम इसको यूज करेंगे डेल्टाज में, तो आप लगाना चाहते हो डेल्टा पाई, आप लगाओ डेल्टा पाई बाय पाई, डेल्टा पाई, पाई इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेल्टा क्या होता है, 0, अपने आप 0 हो जाएगा वो। जब डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट 0, तो डेल्टा भी कांस्टेंट का 0। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पाई ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा, आप जबरदस्ती मत उड़ाएं, आप रख ले पाई, पर डेल्टा में पाई ऑटोमेटिकली आंसर 0 ही देगा आपको। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दूं, करेंगे सॉल्व? ठीक, क्वेश्चन इज, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है,
सपोज एक स्फेयर है, एक स्फेयर में एरिया क्या होता है, 4πr², रेडियस विद एरर मैं आपको दे रहा हूं 2 ± 0.1 सेंटीमीटर, आपको मुझे एरिया विद एरर बताना है क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन।
ओके आंसर आया, चलो चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक है ही नहीं, क्वेश्चन है ही दो पार्ट्स में, एक करेक्ट वैल्यू और दूसरा एरर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइंडिंग करेक्ट वैल्यू, और दूसरा क्या लिखेंगे, फाइंडिंग एरर। फॉर्मूला करेक्ट वैल्यू में एरिया का 4πr², एरर के अंदर भी एरिया का 4πr², एरिया ए जब करेक्ट वैल्यू आएगी तो हम पाई को निगलेक्ट नहीं करेंगे, पाई जीरो नहीं होगा, एज इट पुट करेंगे, और रेडियस की जगह क्या पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है, एरिया आ गया, और यहाँ पे डेल्टा ए बाय ए, 4π इज अ कॉन्स्टेंट, तो इसका डेल्टा क्या होगा, 0, 2 × Δr/r, क्योंकि आपको डेल्टा आर पता है, आर पता है, एरिया आपने यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, डेल्टा ए, तो डेल्टा ए को यहाँ पुट कर लेंगे, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, फाइनल आंसर। कोई डाउट इसमें, ठीक है, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो मेंस और नीट दोनों में आया हुआ है, ठीक, आपको आंसर देना है, ये लो। क्वेश्चन इज कि सपोज देयर इज अ फॉर्मूला जेड, जेड इज इक्वल टू एम स्क्वेयर एल माइनस 3t4, ठीक, ये फॉर्मूला है जेड का। गिवन परसेंटेज एरर इन एम, ये गिवन है 1%, परसेंटेज एरर इन एल गिवन है 2%, परसेंटेज एरर इन टी गिवन 3%, फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड, दिस इज द क्वेश्चन, कितने परसेंट। एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, करो 20%, ओके चेक करते हैं, ओके अच्छा, फर्स्ट स्टेप, कितने लोगों ने सबसे पहले इसमें ऐसा किया कि इसको देखते हुए डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 2 × Δm/m किया, प्लस बोलो क्या, माइनस 3 Δl/l प्लस 4 × Δt/t, कितने लोगों ने ऐसा किया, ऐसा करते हुए कितने लोगों को ये फील आया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आया क्यों, ऐसा क्यों आया, क्योंकि एरर्स कभी माइनस नहीं होते, तो आपको तो वहीं रुक जाना चाहिए, जो हाँ बिल्कुल ठीक, जो नहीं रुका उसका क्वेश्चन गलत हो गया, जो रुक गया उसे रीथिंक किया, क्या किया, उसने ये सोचा कि ये तो आगे होगा नहीं, क्योंकि माइनस में तो एरर चलेगा नहीं, तो सबसे पहले इस टाइप की प्रॉब्लम में इस फॉर्मूले को करेक्ट किया, करेक्ट कैसे किया, एल को नीचे लेके, L माइनस 3 नहीं, L नीचे ले आओ, L रेस टू पावर 3। अब अगर फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा Z में, तो डेल्टा Z बाय Z इज इक्वल टू 2 × Δm/m प्लस 4 × Δt/t, 3 × Δl/, देखो सारे अब टर्म्स क्या हो गए, पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो माइनस अगर गिवन भी है, सबसे पहले उनकी पावर को सही करके आपको सारे क्या बनाने पड़ेंगे, पॉजिटिव। तो एक्सपोनेंट्स नेगेटिव में नहीं चलेंगे, एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव करने पड़ेंगे, पावर्स पॉजिटिव करनी पड़ेंगी, क्लियर है। एल को लेफ्ट हैंड साइड तब लेके जाएं
जब मुझे एल में एरर ढूंढना है, एरर तो मुझे जेड में ढूंढना है, तो जेड को तो यहीं लेके जाएंगे रखेंगे लेफ्ट में, तो 100 से दोनों साइड्स को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100, 4 इंटू डेल्टा टी बाय टी इंटू 100, 3 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसके अंदर आपको एम के अंदर मास एम के अंदर परसेंटेज एरर कितना गिवन है 1%, टाइम या टी के अंदर परसेंटेज एरर कितना गिवन है 3%, और एल के अंदर परसेंटेज एरर कितना गिवन है 2%। बोलो कितना आंसर आ रहा है 20। ओके तो कितने लोगों का 20% आया था? हाँ ठीक है yes. तो एरर्स कभी माइनस होंगे ही नहीं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम किसी कंपटीशन के अंदर नॉर्मली ऐसी चलती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तक तो मैं हर लेक्चर में यही बोल रहा था कि ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता। अब समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है, जिसको एरर्स का रूल समझ में आ रहा है हाँ उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो आराम से कर लेगा। लेकिन जो याद करके जा रहा है चीज़ों को कि अब मैं डेफिनेशन याद करूँगा थ्योरी, उसका कुछ भी नहीं है, कर ही नहीं पाएगा सॉल्व इसे। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? बोलो। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक ओके तो ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर। ठीक है सो अब ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, वोल्टेज वाला। रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है, सरफेस एरिया ये भी कर लिया आज हमने किया, सरफेस एरिया 4πr² ठीक ओके। नेक्स्ट ओके इसी शीट में एक क्वेश्चन ये था, रेजिस्टेंसेज वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये, इसके दोनों पार्ट करके दिखाओ। अगर आपने दोनों पार्ट कर दिए और स्पेशली इसका पैरेलल वाला पार्ट कर दिया नेक्स्ट वाला, डन। हाँ तो डन मतलब एरर आ गया। लो सीरीज में देखें, सीरीज का तो आ गया होगा आंसर, हाँ सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आपको गिवन है विद एरर। पहला पार्ट है कि अगर मेरे को इन दोनों को सीरीज में जोड़ना है तो ये मेरा आंसर आएगा, क्लियर है? ठीक है तो सीरीज में
दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में क्या होंगी, ऐड। तो एडिशन का तो रूल ही बहुत क्लियर है, क्या रूल है कि आर वन आर एस क्या होगा, आर वन प्लस आर टू। तो आर एस की जो वैल्यू होती है उसमें आर वन प्लस आर टू दो रेजिस्टेंसेज ऐड हो रही है, और हमने तो वैसे भी किया हुआ है, ओरली भी कर सकते हैं, इसको इसमें ऐड करेंगे क्या आएगा 300, और एरर्स भी आपस में क्या हो जाएंगे ऐड, तो क्या आएगा 7। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक? ओके, एक आंसर आ गया, असली इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ओके, पैरेलल हुआ, आंसर आया, ओके ओके, क्या ये रूल क्लियर है पहले बताओ? डाउट अनन्या, आप ये बताओ ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड होती हैं, तो आर वन को आर टू में ऐड, एक्चुअल नंबर करेक्ट नंबर करेक्ट नंबर में ऐड, तो एरर्स भी आपस में ऐड, तो आंसर वैसे ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि उसने बोला ही नहीं परसेंटेज या रिलेटिव एरर, बोलो जब तक परसेंटेज के बिना, मतलब अच्छा वो रिलेटिव वाला क्यों नहीं लगाया? देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आर वन प्लस आर टू, मानते हो? इसमें क्या लग रहा है बीच में, प्लस, क्या ये मल्टीप्लाई या डिवाइड या एक्सपोनेंट है? नहीं है, प्लस के अंदर तो सिंपली एरर्स को क्या करते हैं, ऐड, तो इसमें क्यों लगाएं रिलेटिव वाला, डेल्टा ए बाय ए क्यों लगाएं, डेल्टा आर वन बाय आर वन क्यों लगाएं, एडिशन ऑफ एरर्स, सिंपल है, ये पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ एरर्स, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक? अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्व करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, राइट? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप सिर्फ मुझे ये बताओ एक बार, जरा आर वन और डेल्टा आर वन की वैल्यू क्या थी बताना जरा, ओके 3 ओम, एंड आर टू प्लस माइनस डेल्टा आर टू क्या था, ठीक है, और हमने जब सॉल्व किया पहला पार्ट तो सीरीज के अंदर आंसर क्या आया था 300 प्लस माइनस 7 ओम, क्लियर है यहां तक? डन, ठीक। तो सबसे पहली चीज इसमें, अब मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फॉर्मूला होता क्या है, आर वन आर टू, आर वन प्लस आर टू, क्या ये पॉइंट क्लियर है? या रादर मुझे ये बोलना चाहिए कि मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आर पी प्लस माइनस डेल्टा आर पी, ये मुझे निकालना है। तो मेरे इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं, दो, पहले मैं करेक्ट वैल्यू ऑफ आर पी निकालूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और फिर उसमें क्या निकालूंगा, एरर निकालूंगा। तो बनाई इसमें हेडिंग, सबसे पहले क्या निकालूंगा इसमें, करेक्ट वैल्यू, और फिर साथ के साथ क्या निकालूंगा इसमें, एरर। तो करेक्ट वैल्यू का मतलब क्या निकलेगा इसमें, आर पी, एरर में क्या निकलेगा, डेल्टा आर पी, क्या ये पॉइंट क्लियर है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला यूज होता है, राइट, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर फॉर्मूला यूज हो रहा है आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RP, 1/R1, 1/R2 ऐसे करते हैं ना, एलसीएम लेके, ये सबको पता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, क्लियर है? ठीक, एक बात बताओ, मैंने जब एरर्स, जब मैंने आपको एरर्स का अभी रूल करवाया, क्या मैंने ऐसा करवाया कि देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड भी हो रही है टर्म्स, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अंदर क्या चल रही है, एडिशन। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, या तो एडिशन अलग कर लो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अंदर क्या चली गई है, एडिशन, ये मैंने नहीं सिखाया। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसमें आर वन प्लस आर टू की जगह क्या पुट कर लेते हैं, आर एस, आर एस का मतलब आर वन प्लस आर टू ही तो होता है, क्लियर है? इधर भी क्या पुट कर लेते हैं, आर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर आर वन प्लस आर टू है वहां पर आर ऑफ एस पुट किया जा सकता है। तो करेक्ट वैल्यू के अंदर आर वन की करेक्ट वैल्यू कितनी है 100, आर टू की करेक्ट वैल्यू कितनी है 200, आर एस की करेक्ट वैल्यू कितनी है 300, तो बोलो आंसर क्या आ रहा है इसमें,
66.7, ओके, इतने ओम आ गया, क्लियर है, क्लियर है, सही है। तो करेक्ट वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें, ओके, आधा आंसर आ गया। तो आधे आंसर में मैं यहां लिख सकता हूं 66.7। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा आरपी। अब मैं यहां कैलकुलेशन करूंगा, इसमें तीन टर्म्स हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें, डेल्टा आरपी बाय आरपी इज इक्वल टू डेल्टा आर वन बाय आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू प्लस डेल्टा आर एस बाय आर एस। क्या स्टेप क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ये रूल चलता है, डेल्टा आर पी बाय आर पी, डेल्टा आर वन बाय आर वन, डेल्टा आर टू बाय आर टू प्लस डेल्टा आर एस बाय आर एस। कोई डाउट इसमें, मेरे को इसमें क्या ढूंढना है, डेल्टा आर पी। आप बस मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में आर पी की वैल्यू कितनी है, 66.7, डेल्टा आर वन कितने है 3, आर वन कितने है 100, डेल्टा आर टू कितने है 4, आर टू कितने है 200, डेल्टा आर एस कितने है 7, तो डेल्टा आर एस की जगह 7, आर एस कितने है 300। तो यहां पर ये वैल्यूज को पुट कर लिया, कोई डाउट इसमें, सारी वैल्यूज पुट कर ली, इस पूरे को सॉल्व करो और डेल्टा आर पी निकालो, 66.7 को मल्टीप्लाई कर लेना इस पूरी टर्म के साथ, तो कितना आंसर आया डेल्टा आर पी, 4. यही कितना, 1.8, ओके 1.8। तो आंसर क्या आएगा, 66.7 प्लस माइनस 1.8। कोई डाउट इसमें, क्योंकि मैं इसको कैसे जस्टिफाई करता, जब मैं डेल्टा लगाता उसमें फंस जाता, क्या लगाता, तो मैं इजी टर्म कर ली, इजी में मुझे पता ही था इसका आंसर क्या है ऑलरेडी, तो इसके अंदर सीरीज का क्वेश्चन ऑलरेडी छुपा हुआ है, इजी कर लिया ना, आर वन प्लस आर टू की जगह डेल्टा, आर वन प्लस आर टू की जगह आर एस करने से इजी हो गया। इसे सॉल्व, इसकी कैलकुलेशन सॉल्व तुमने करनी है, ठीक, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आंसर इसका आया हुआ है, इसका आंसर है 1.8 है इसका आंसर, चेक द आंसर, 1.8 समथिंग आ रहा होगा, वन डिजिट लिखा है, टू डिजिट तक आ रहा होगा, 1.8 समथिंग आ रहा होगा, 1.87 इसके आसपास आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, आपको मेथड समझ में आया कि कैसे आपने इन क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड करना है, और कैसे मैंने आर वन प्लस आर टू को आर एस के साथ रिप्लेस करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कोई डाउट इसमें, ठीक है। इस शीट के बाद जो फोर्थ शीट है आपकी, रादर थर्ड शीट, टाइम क्या हुआ है, टाइम, ठीक है, देखो, तो इसके अंदर ये हमने थर्ड शीट ऑलरेडी कर ली, थर्ड शीट हो गई, फोर्थ शीट को दो मिनट देखेंगे और फिर मैं होमवर्क बताऊंगा क्या करके आने, आपने ध्यान आगे प्लीज। देखो फोर्थ शीट में ये हमने, ये रिवीजन की शीट है, पहले तो इसमें मैंने बता दिया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मैंने बता दिया कि रिलेटिव एरर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैंने इसमें बताया कि परसेंटेज एरर इसमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, परसेंटेज एरर को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी बता दिया, एडिशन में क्या करना है ये भी बता दिया, कुछ नहीं करना ये हम कर चुके हैं सारा, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है ये भी बता दिया, कुछ नहीं करना, डिवीजन में क्या करना है ये भी एक एग्जांपल बता दिया, तो हमने सब कर लिए न्यूमेरिकल्स। एक्सपोनेंट रूल कैसे लगता है ये भी हमने डिस्कस किया, एक्सपोनेंट रूल ये भी कुछ नहीं करना इसमें। इस टाइप की प्रॉब्लम आपके स्कूल में आती है हर साल, कैसे, वो कहेगा परसेंटेज एरर इन ए 4% है, परसेंटेज एरर इन बी गिवन है, सी बता दिया, आपको परसेंटेज एरर इन जेड निकालना है, तो एक्सपोनेंट का रूल हर कोई लगा लेगा, तो इसमें क्या लगेगा, डेल्टा जेड बाई जेड, हाफ इंटू डेल्टा ए बाई ए,
2 by 5 into delta b by b, 2 by 3 into delta c by c, 100 से मल्टीप्लाई। ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सेम ऐसे क्वेश्चन हमने किए परसेंटेज एरर के, वैल्यूज पुट करके परसेंटेज एरर कैन बी कैलकुलेटेड, तो ये भी हमने कर लिया। इसके बाद बिल्कुल सेम क्वेश्चन एज अ होमवर्क लिखो इसे, ये होमवर्क करना है आपने परसेंटेज एरर का, यहाँ पे लिखो होमवर्क, लिखो यहाँ पे सेम पैटर्न पे कर लोगे, इसका परसेंटेज एरर निकालना है आपने, ये भी होमवर्क लिखना है। मैं बता चुका हूँ नेगेटिव पावर को पहले क्या करना होता है, पॉजिटिव बनाना है, तब करना है ये क्वेश्चन सॉल्व, तो ये भी क्लियर है, ये भी होमवर्क लिखो। इसके बाद एक शीट मैंने आपको अभी डिस्ट्रीब्यूट की है एज अ होमवर्क, ये देखो ये शीट है, इस शीट पे देखो जरा क्या करना है, ध्यान आगे प्लीज, इस शीट में लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो एल प्लस माइनस डेल्टा एल, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्या निकालना है एरिया विद एरर, तो बोलो क्या निकालेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, परसेंटेज वर्ड यूज नहीं किया उसने, तो क्या निकलेगा इसमें ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ये न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं, पहले ए निकलेगा और फिर डेल्टा ए निकलेगा, होमवर्क। नेक्स्ट है बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ इन टाइम, ये हमने शीट में कर लिया, एस इज इक्वल टू वी टी वाला क्वेश्चन आज किया हमने, शीट में डिस्कस कर लिया हमने ये होमवर्क, एक्सपोनेंट वाला रूल लगेगा, होमवर्क लिखो, ये क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट एल वाई जी वाला हमने कर लिया होमवर्क, ये होमवर्क क्या अपनी शीट में कर लिया हमने, तो ये क्वेश्चन ये भी डन है, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल वाई जी आज हमने किया था, ठीक है। फिर से बताऊँ पीछे, फिर से बताऊँ, ठीक है। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए हिंट लिख लो, ये पूरा वाई का फॉर्मूला गिवन है, लेकिन आपको परसेंटेज एरर वेट में गिवन है, जबकि इस फॉर्मूले में आपको वेट दिख नहीं रहा, तो आप पहले इसके अंदर क्या करेंगे, एम जी को रिप्लेस करेंगे किससे, वेट से, क्योंकि एम जी क्या होता है, वेट। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो यहाँ लिख लो पहले फॉर्मूला मॉडिफाई होगा, क्योंकि परसेंटेज एरर किस में गिवन है, वेट में, तो परसेंटेज एरर वेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू 100, तो ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब आप एम जी को क्या रिप्लेस करेंगे, डब्ल्यू। अब ये होमवर्क है, ट्राई करना ही है, जो नहीं होगा कोई बात नहीं, हम क्लास में सारी शीट डिस्कस करेंगे, पर एक एक बार एटलीस्ट आपको ट्राई करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हमने शीट में कर लिया सिग्मा वाला क्वेश्चन, डन। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ये होमवर्क लिखो, एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड निकालना है इसके अंदर, ये होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क। रेडियस एंड हाइट, ये भी होमवर्क, वॉल्यूम निकालना है विद एरर, तो वॉल्यूम क्या निकलेगा, v प्लस माइनस डेल्टा v, तो फॉर्मूले को दो बार यूज करना है, एक बार करेक्ट वैल्यू और एक बार उसकी एरर की वैल्यू, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है रेजिस्टेंसेस वाला क्वेश्चन, शीट में कर लिया अभी हमने, रेजिस्टेंसेस सीरीज एंड पैरेलल, ये भी कर लिया। 10th क्वेश्चन मर्जी है, कर सकते हो जरूर कर लो, नहीं कर सकते क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, जो हमने लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल किया था कि एक ऑब्जर्वेशन है एक स्टूडेंट की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन निकालो, ये ऑलरेडी हमने कर लिया, क्लियर है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 2 दी है सॉल्व करने के लिए, गलती से 2 का प्रिंट पहले निकल गया, 1 का निकलना था, पर इट्स ओके, कोई फर्क नहीं है। आप सेकेंड ऑब्जेक्टिव एक बार 1 में क्लास में करवा दूंगा, तो आप सेकेंड ऑब्जेक्टिव भी एक बार ट्राई करके आएंगे, तो आपके पास एज अ होमवर्क, अब ये पूरी शीट है आपके पास एज अ होमवर्क, ऑब्जेक्टिव शीट है, कैलकुलस को छोड़ के जितनी भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव शीट्स होंगी उसके पूरे सॉल्यूशन, मैंने खुद एक एक क्वेश्चन पूरे सॉल्व किया हुआ अपनी शीट्स की तरह, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मे बी कल के बाद शेयर करूँगा। आपने वो गूगल फॉर्म भरना है, भर दिया सबने, तो गूगल ड्राइव शेयर होगी, उसमें सब्जेक्टिव शीट के सॉल्यूशंस एंड ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस वो शेयर होते हैं, कि कल को अगर आपने कुछ देखना है, इन फ्यूचर भी देखना है, आने वाले टाइम में देखना है, तो वो पूरी आप इतना लिख नहीं पाओगे शीट के सॉल्यूशंस, तो वो सारे के सारे आपके गूगल ड्राइव में मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, कैलकुलस की शीट्स को छोड़ के, सारा जितना भी पूरा साल चलेगा वो शीट्स मैं भी साथ साथ सॉल्व करके उसमें डालता हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी आपको, कितने लोगों ने गूगल फॉर्म नहीं अभी भरा, नहीं भरा, तो प्लीज़ मेरे से लिंक मैं ग्रुप पे डालूंगा फिर से गूगल फॉर्म, तो जिन्होंने नहीं भरा वो प्लीज़ गूगल फॉर्म को फिल कर देंगे।
क्लियर है, मिलते हैं।